स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों आज खासकर कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज या कल रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सीबीएसई बेटा वैसे तो ऑफिशियली कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, अचानक से रिजल्ट आता है। तो अगर हम लास्ट ईयर का ट्रैक देखें उसके अकॉर्डिंग एग्जाम 17th को स्टार्ट हुआ था, बट रिजल्ट आपका 1 अगस्त को आ गया था। कीपिंग इन माइंड कि बच्चों के एडमिशन भी होने हैं, ठीक है, इस वजह से रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए, बट देर आर सर्टेन मीडियाज जिन्होंने अभी बच्चों को कंफ्यूज कर रखा है। सो लेट अस सी, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे परिणाम वाला पेज क्लिक करोगे तो यू विल बी सीइंग दैट। तो ये जो रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन है बेटा, उसके रिजल्ट आए हैं। देर इज नो इन्फॉर्मेशन, ऐसा होता कि सीबीएसई यहाँ पे कोई करेंट इवेंट में बता देता कि भाई रिजल्ट सून, जैसे बोर्ड में बताता है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज। सबसे पहले ये वाली देख लो, जिसने बता दिया है कि भाई साहब रिजल्ट तो आपकी ऑलरेडी आ गई है, बट दिस इज ऑफिशियली नॉट करेक्ट, बिकॉज आपने अभी भी देखा कि सिर्फ रिवैल्यूएशन की रिजल्ट आई है, आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। शायद एरर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ गया कि रिजल्ट जो कंपार्टमेंट की वजह का वो 30 जुलाई को आ गया है, बट दिस इज नॉट ट्रू, ये आप समझ चुके हैं, तो इस पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं कि बाकी का क्या कहना है। सीबीएसई 10th 12th रिजल्ट कब आएगा और रोल नंबर कैसे चेक करें? तो बेटा देखो, एक तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आज नहीं आया है तो अब आज आने के चांसेस कम है, शायद ना कि बराबर है, बट कल आ सकता है, बिकॉज ऑथेंटिकली कल लास्ट ईयर भी आया था। तो अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं हमसे। एग्जाम खत्म हो गया और बच्चों का इंतजार भी, और सीबीएसई का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी है वह बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट विच इज कॉल्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर ही रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और फर्दर देखते हैं कि और फर्दर न्यूज क्या कह रहे हैं। बाकी के मीडिया का ये कहना है कि रिजल्ट अब आपका कभी भी आ सकता है। ये रिजल्ट बेसिकली ये वाला आया है, अभी हमारा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है जिससे हमें लगे कि रिजल्ट आएगा कल। तो सीबीएसई बोर्ड विल सून रिलीज द रिजल्ट एज पर द सोर्सेस। अब सोर्सेस का बेटा ये कहना है कि चेकिंग इज अंडर वे, यानी कि ये कहा जा रहा है सोर्सेस के हिसाब से कि अभी तक रिजल्ट पूरी तरीके से बना नहीं है। और यहाँ पे एक टाइपो एरर है, जुलाई, जो कि जुलाई तो बीत चुका है, इट इज ऑगस्ट। तो इनका कहना है कि कल नहीं आएगा रिजल्ट, सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट में आएगा। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द रिजल्ट, डिजी लॉकर एटसेट्रा। एग्जाम आपका 15 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 10th वालों को हो गया और 12th वालों को 15 जुलाई को ही हो गया था। कुछ मीडिया का ये कहना है कि रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है, कुछ मीडिया का कहना है कि कॉपी चेकिंग, तो देखो एक्चुअली कॉपी चेकिंग तो हो गई है बट रिजल्ट का प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो अब क्या है कि सेकेंड वीक तो नहीं होना चाहिए, एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता सेकेंड वीक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कल नहीं रिजल्ट आया तो परसों, मतलब 1 से 2 दिन के बीच रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज आपका वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे तक रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मैक्सिमम सैटरडे, क्योंकि संडे को तो रिलीज करते नहीं है, तो थर्सडे तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है प्रोबेबली कि कल आपका रिजल्ट आ सकता है। बट अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि बच्चे डरेंगे क्या रिजल्ट से? तो नहीं बेटा, डरने की नीड नहीं है। कॉपी चेकिंग हैज बीन रियली रियली गुड। पासिंग मार्क्स आप सभी जानते हो, देखो 10th वालों के लिए भी 33% था, 12th वालों के लिए भी 33% था। लेकिन क्या है कि 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है फायदा। फायदा ये कि देखो अब आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का है तो उसमें 18 नंबर तो मिनिमम मिल ही जाता है। तो इधर अब थ्योरी में 13 से 15 नंबर लाना है, तो इन दैट केस अगर आप 10 नंबर का भी चलो लिख दिया प्लस थोड़े रेलेवेंट अटेम्प्ट्स ले लिए होते हैं तो टीचर 100% आपको पास कर देता है। सो इट इज अ लिटिल ईजियर। बट अगर आप 12th में चले जाते हो तो आपको थोड़ा सा सीनियर माना जाता है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट माना जाता है। लेकिन सीबीएसई को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए, बिकॉज बच्चे सीनियर बेशक हो गए लेकिन सिलेबस का बोझ भी 10th और 12th में बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है। उसके बाद सीबीएसई ने क्या कर दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की नंबर्स इतने बढ़ा दिए हैं कि 70% ऑफ योर पेपर आर एमसीक्यू। तो इसमें बच्चों को अटेम्प्ट के नंबर पहले मिल जाते थे, अभी भी मिलते हैं, लेकिन अटेम्प्ट लेने का जो स्लॉट होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पे आप लॉन्ग आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, ऐसी जगहों पे, जैसे आप 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने 2 ही पॉइंट लिखे बट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख दिया है इधर उधर का,
तो भी टीचर आपको 2 की जगह 3 3.5 तो देगा, बट एमसीक्यू में क्या होता है, इधर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, तो या तो आपको 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा, वहां आपके एग्जामिनर्स भी कुछ नहीं कर पाते, तो ये रीजन हो गया है कि बच्चों के नंबर घट जा रहे हैं। लेकिन अभी भी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स थोड़े बहुत है, तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिए हैं बेटा, कॉपी चेकिंग हैज रियली बीन लीनियंट, लीनियंसी का ये मतलब नहीं होता कि 100% रिजल्ट आ जाता है, बट इट वुड बी बेटर। जिन जिन जोन में रिजल्ट ज्यादा कंपार्टमेंट आया था, बिहार में आया था, यूपी में आया था, झारखंड में आया था, तो वहां के रिजल्ट अच्छे सुनने में आ रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट हुआ है, कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग बढ़िया हुई है, और टीचर जो मॉडरेशन देना दे, पेपर अगर एक्चुअली हार्ड होता है, लेवल अप होता है, तब मॉडरेशन लगता है, वो सीबीएसई ऐसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती, बट मॉडरेशन इज अ पॉलिसी। जैसे केमिस्ट्री क्लास 12 तो उसमें हाई चांस है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मॉडरेशन लगेगा, अगर नहीं भी लगेगा और बच्चों ने अटेम्प्ट ले रखे हैं तो क्या होगा ना कि आपके अटेम्प्ट के बेसिस पर इंटरनल ग्रेस जो मैंने आपको दिखाया था 6 से 7 नंबर का, ऐसा नहीं होता कि आपके टोटल 20 आ रहे तो टीचर आपको +7 कर देता है। टीचर क्या करता है ना, आपको 20 अगर मान लो आपने 17-18 नंबर का लिख रखा है तो एक एक मार्क्स हाफ मार्क्स हर में ज्यादा देते देते आपको 20 आ जाए तो 27 आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ा के देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल ग्रेस, कि ऑफिशियली +5 नहीं दे करके कॉपी चेकिंग में ही अटेम्प्ट ले ले करके बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए। जिन बच्चों ने मैथ्स वगैरह में गलत आंसर लिखे हैं बट स्टेप्स सही हैं, फॉर्मूला सही है, तो आपको नंबर मिले हैं। जिन बच्चों ने डायग्राम बनाया है बायोलॉजी जैसे पेपर्स में या किसी भी पेपर में जहाँ पे डायग्राम रिक्वायर्ड है नीट एंड क्लीन और उसको प्रॉपर लेवल किया है, आपको अच्छे नंबर मिले हैं। उसके अलावा जैसे फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, पार्टली भी इफ इट इज करेक्ट यू आर गेटिंग मार्क्स। सो जिन बच्चों ने लिखा है थोड़ा बहुत, उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको पास कर देंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, कई बार होता है ना बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स, कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने जेई मेंस क्वालिफाई किया है बट इन द एग्जाम दे वर ब्लैंक, इन मेनी पेपर्स दे वर ब्लैंक जब उनका बोर्ड हो रहा था, तो इट इज ओके, ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम लिख नहीं पाते, याद किया था भूल गए, इट हैपेंस। तो अगर आपने फिर भी अटेम्प्ट ले लिया है बेटा तो आप पास हो जाओगे, अगर मान लो पास नहीं हुए तो भी पैनिक करने की नीड नहीं है, ठीक है। नहीं भी पास हुए तो इधर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, थर्ड कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, तो आपका एक साल तो आप जा सकता है, उसको बचाने के लिए सीबीएसई क्या करती है, कॉपी को रिविजिट करवाती है। अगर आप श्योर हो कि आपने लिखा है फिर नंबर नहीं आया तो वेरिफिकेशन करवाओगे, उसमें रीटोटलिंग होगी, मान लो उसमें नंबर नहीं बढ़े, हालांकि बढ़ने इसलिए चाहिए क्योंकि 4-4 लेवल पे कॉपी की चेकिंग होती है, एक एग्जामिनर से थोड़ा बढ़ा के दूसरा देता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, 4-4 एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं आपके, तो रीटोटलिंग में फिर भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ है, तो रीटोटलिंग में कुछ बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है जब आप अपने आंसर बुक की सॉफ्ट कॉपी मंगवाते हो, उसमें क्या होता है ना, आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप चलो नहीं कर सकते फाइंड, आप अपने एक्सपर्ट टीचर्स से बात करके फाइंड आउट करवा सकते हो, और जो क्वेश्चन में आपको लगता है श्योर शॉट मार्क्स हैं वहां पे आप जाकर के रीचेकिंग जब ऑप्शन आएगा रीचेक करवा लो, आप शायद पास हो, क्योंकि बहुत से बच्चे रीचेकिंग में पास होते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी पास नहीं हुए, जस्ट इन केस यू आर नॉट पास इन दैट, यानी कि आपने नहीं लिखा था, नहीं पढ़ा था, कुड बी एनी रीजन, तो आपके पास फिर भी 2-3 ऑप्शंस बचते हैं। एक तो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, आप क्या करो, एक ईयर ब्रेक ले लो, ईयर गैप ले लो, साथ में जेई नीट वगैरह की तैयारी करो, सीयूईटी की तैयारी करो, ताकि अगले साल आपको प्रॉपर अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाए और ये पेपर भी क्लियर हो जाए। अब जिन बच्चों का थर्ड कंपार्टमेंट था उनको अब अगला साल रिपीट करना पड़ेगा विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा वे आउट क्या है कि आप जो ओपन स्कूलिंग होती है उसके तहत अभी भी इस साल को बचा सकते हो, ओपन स्कूलिंग से कॉन्टैक्ट करके, जब उनका फिक्स डेट होता है, आप अपने मतलब मंथ्स में अभी 3 महीने लगातार एग्जाम होंगे, आप अपने चॉइस के हिसाब से एक डेट ले लो और एग्जाम दे लो, यू कैन स्टिल पास, तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और NIOS जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, आपने देखा होगा CBSE ने अभी एक नया सर्कुलर जारी किया था जिसमें NIOS के एग्जाम जो है CBSE के स्कूल्स में ही हो रहा है, ठीक है, इट इज वेरी मच वेरीफाइड, कहीं भी आपका एडमिशन होगा देयर इज नो प्रॉब्लम। या अगर आपको बोर्ड चेंज करना है तो बोर्ड चेंज कर दो, कई बार बच्चे जैसे मैथ्स में पास नहीं हो रहे, PCMB लिया था, यू कैन इवन चेंज द सब्जेक्ट, छोड़ दो उसको, कुछ बच्चों की इम्प्रूवमेंट चल रही है, इम्प्रूवमेंट वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो नया नंबर वाला मार्कशीट वैलिड होगा, नंबर घट गए या फेल हो गए जस्ट इन केस, तो ये जो नया वाला खराब मार्क्स है
वो वैलिड ही नहीं होगा, वैलिड होगा आपका जो ज्यादा वाला था, यानी कि बेस्ट ऑफ टू होता है। तो इम्प्रूवमेंट वालों को टेंशन लेने की नीड नहीं है। सो इन दैट वे आई वुड लाइक टू से कि किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉपी चेकिंग बढ़िया हुई है, बढ़िया तौर पे अगर आपने एफर्ट्स डाले थे तो आप क्लियर हो जाओगे कंपार्टमेंट और आगे बढ़ जाओगे। जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा, नहीं पढ़ा था, टेक इट एज योर फॉल्ट कि चलो हमसे गलती हो गई। और अभी आप बहुत बच्चे हो, मार्क्स कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको जज कर सके कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है या बुरा। यू कैन बी गुड इन एनीथिंग, है ना। करियर इज नॉट ओनली इन योर मार्क्स। हो सकता है कई बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट दे आर वेरी गुड इन डिफरेंट थिंग्स। मान लो कि आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, ऐसा होता है कई बच्चे जो स्कूल के बोर्ड्स नहीं क्लियर कर पाते लेकिन दे आर वेरी गुड क्रिकेटर्स, वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर्स। तो ऐसा टैलेंट आप में से भी कई बच्चों के अंदर होगा, अपने उन टैलेंट को भी ढूंढो। और आज के डेट में प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है, यू कैन यूटिलाइज दोज प्लेटफॉर्म्स। अल्टीमेटली योर गोल इज टू बी सक्सेसफुल इन करियर इन लाइफ। एंड ये 10th और 12th के मार्क्स बहुत छोटी चीजें हैं डिसाइड करने के लिए, बहुत छोटी चीजें हैं। यू आर नॉट, आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप अभी उस जगह पे हो। उस जगह से जब बाहर निकलोगे 10th 12th के, आफ्टर 3 to 4 इयर्स यू विल अंडरस्टैंड कि इन मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो मार्क्स आपको जज नहीं कर सकता। आपने नहीं पढ़ा, आप नहीं पास हुए, अभी फिर से पढ़ लोगे आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो हम अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाएंगे, थोड़ा आलस को कम करेंगे, मेहनत करेंगे। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा। हार्ड वर्क लगाओ, दिस इज द राइट टाइम। दुखी होने से, सीबीएसई को कोसने से कोई फायदा नहीं है, आपको वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि 39 लाख बच्चों में से 38 लाख बच्चों का बोर्ड क्लियर हो गया है, 1 लाख बच्चों की क्या बोर्ड सुनेगा? नहीं सुनेगा। बोर्ड का जो फॉर्मेट है इट वुड बी फॉलोइंग दैट। वो कंपार्टमेंट में भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि अपना लेवल वो नहीं डाउनफॉल करना चाहते। हाँ, कॉपी चेकिंग लीनियंट करी है, तो आपके पास तो भगवान ने टैलेंट दिया, दिमाग दिया, यूटिलाइज दैट। यू आर यंग ब्रेन, आप अपने दिमाग को यूज कीजिए, अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, जैसा भी रिजल्ट आए एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा यही प्रेयर है कि सारे बच्चे पास हो जाएं, और सीबीएसई शुड डू दैट, जैसे आईसीएसई बोर्ड करता है, सभी को लेकर पास कर देता है। रोकना नहीं चाहिए, बोर्ड की थोड़ी सी इश्यूज हैं, बट क्या करेंगे, हमें बोर्ड के इश्यूज को मतलब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर हम इस बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो हमें इसके फ्लॉज भी देखने पड़ेंगे। तो आई विश एंड प्रे कि आप सभी के रिजल्ट अच्छे हों, और जब भी आएंगे आपको बता दिया जाएगा। मे बी कल आ जाए रिजल्ट, ज्यादातर चांसेस 70% चांस है कि कल रिजल्ट आए। सो वेट करते हैं, लेट अस होप एंड प्रे कि जब भी आए अच्छा है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।